अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त शेर मुर्तज़ा अली हुसैनी, एमए करंट टीवी न्यूज़ स्टैंड में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हैदराबाद के एबिट्स पुलिस स्टेशन के हुदूद से अगवा 6 साल लड़की को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बचा लिया। एबिट्स के खटल मंडी इलाके से ताल्लुक रखने वाली 6 साल प्रगति नामी लड़की का चॉकलेट का लालच दिखाकर हफ्ते को एक नामालूम शख्स ने ऑटो में बिठाकर अगवा कर लिया था। पुलिस ने अगवा की शिकायत के साथ वहां लगी सीसीटीवी फुटेज का तजिया किया और जिला रंगारेड्डी के अनुमोल सव्वा गांव के करीब अगवा करने वाले को पकड़ लिया और इनसे बच्ची को बचाकर पुलिस ने इसे इसके वालिदैन के हवाले कर दिया। पुलिस ने बताया कि ये लड़की अपने भाई के साथ कटल मंडी इलाके में ठहरी हुई थी, इसी दौरान इसका अगवा कर लिया गया। आज जब पुलिस ने लड़की के साथ अगवा करने वाले को पकड़कर एबिट्स पुलिस स्टेशन लाया तो उस वक्त लड़की के रिश्तेदारों ने अगवाकार पर हमला कर दिया। ताहम पुलिस ने इसे बचाकर पुलिस स्टेशन के अंदर मुंतकिल कर दिया, जिसके बाइस कशीदगी पैदा हो गई। हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में खातून पर उसका साबिका शौहर ने चाकू से हमला कर दिया। उस वाक़े में खातून शदीद जख्मी हो गई, जिसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक हबीब नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में आने वाले नामपल्ली इलाके के मकाम पर मुतालिका खातून एक कंपनी में काम करती है। हफ्ते को खातून काम पर आई थी, उस मौके पर उसका शौहर शेख अनवर वहां पहुंच गया और काम के मकाम पर अंदर दाखिल होकर अपनी साबिका बीवी पर चाकू से हमला कर दिया। खातून और उसकी सहेली की चीख व पुकार पर वॉचमैन वहां दौड़ते हुए आया, लाठी से शेख अनवर पर हमला करने की कोशिश की, जिस पर हमलावर शेख अनवर वहां से फरार हो गया। खातून को जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। के साथ नाजरीन खबरनामा यही अख्ताम वजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।